बुंदेलखंड छात्र क्रांति दल ने डीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान प्रदान कराए जाने की मांग उठाई गई। छात्र क्रांति दल के जिला अध्यक्ष राजू बंसकार ने बताया कि बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर संपूर्ण संसाधन होने के बावजूद भी यहाँ के लोग काफी पिछड़े हैं। यहाँ पर गरीब छात्र रहते हैं, जिसको देखते हुए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान प्रदान कराया जाए, जिससे बुंदेलखंड के छात्र छात्राओं को सस्ती शिक्षा मिल सके और छात्रावास में सस्ती फीस पर रहकर वे अपना जीवन संवार सके। इन्हीं सब मांगों को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी को आज जिलाधिकारी माध्यम से आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन पुरेश नगर के अंदर जो 20,000 की आबादी का क्षेत्र है, यहाँ अभी तक एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जहाँ उन बच्चों की शिक्षा में बहुत कमी महसूस हो रही है। हम लोगों ने मांग की है कि वहाँ एक शिक्षा के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोला जाए, जो कि उन सभी सर्व समाज के बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकें और शिक्षा के प्रति जागरूक हो सकें। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।